गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 10th, आपका ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 7। ठीक है, इसमें टॉपिक है डिस्चार्जिंग द लीव्स। तो लीव्स को डिस्चार्ज कैसे करना है। इन लीव्स स्टार्च इज शोड ओनली टेम्पररी आफ्टर फोटोसिंथेसिस। तो क्या होता है कि जब फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस क्या था कि जो प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस से। ठीक है, जब फोटोसिंथेसिस हो गई बच्चे, तब क्या होता है कि स्टार्च बनती है, तो वो स्टार्च है पत्तों में स्टोर हो जाती है, तो टेम्पररी होती है, ठीक, कुछ समय के लिए। अल्टीमेटली इट इज़ कन्वर्टेड इंटू सुक्रोज एंड ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट फॉर यूज एंड स्टोरेज एज स्टार्च अगेन। तो क्या होता है बच्चे कि उसके बाद क्या होता है कि जो स्टार्च है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, सुक्रोज में हो जाती है। सुक्रोज जब होगी तो वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है, जो वेरियस पार्ट्स हैं प्लांट्स के उनमें कन्वर्ट हो जाती है। लीव्स कैप्ट इन डार्क, जो लीव्स हैं जब हम उन्हें डार्क में रखते हैं, ठीक है, बिकम्स कम्प्लीटली डिस्चार्ज, तो वो क्या हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं। कब आपने रखना है, जब फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाए, ठीक है, एंड उसको डिस्चार्ज कर देना है अबाउट टू डेज के लिए आपने उसको किसी रूम में रखना है, डार्क में, कंडीशन में, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे आपका बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस होती है उसके लिए कौन सी रिक्वायरमेंट चाहिए। तो फर्स्ट है क्लोरोफिल का होना बहुत ज़रूरी है, अगर क्लोरोफिल होगी तो फोटोसिंथेसिस होगी। क्लोरोफिल क्या है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है। सेकंड इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है। वाटर होना चाहिए, लाइट होनी चाहिए, ठीक है। दे आर कॉल्ड रॉ मटीरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये क्या है, रॉ मटीरियल है फोटोसिंथेसिस के। फर्स्ट स्टेप का क्लोरोफिल क्या होता है, तो प्लांट्स पोजेस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। तो जो प्लांट्स हैं उनके पास क्या होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, किसके लिए, लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करने के लिए। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, तो थ्री टाइप के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। ग्रीन क्लोरोफिल, जो ग्रीन कलर का है उसको क्लोरोफिल बोला जाता है। ऑरेंज और ऑरेंज कलर का भी होता है जो पिगमेंट है, तो उसको कैरोटीन बोला जाता है। येलोइश कलर का है जेंथोफिल्स। जब बच्चे कैरोटीन एंड जेंथोफिल्स टुगेदर मींस इकट्ठे हो जाएं, तो इनको क्या बोला जाता है, कैरोटीनॉइड्स। क्लोरोफिल भी मैनी टाइप्स के होते हैं, आउट ऑफ देम टू कॉमनली फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स। जो ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल मिलती है उनका नाम है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, ठीक है। तो क्लोरोफिल जो ए है उसको, उसका ये फॉर्मूला लिखा गया है, ये आपने देख लेना है। इज़ कॉल्ड प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, इसको प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये क्या करता है बच्चे, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। तो जो बाकी मतलब कि हैं अदर जो पिगमेंट्स, उनका क्या काम है, उन्होंने लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करना है, अब्जॉर्ब करके फिर क्या करना है, हैंड ओवर कर देना है, किसको दे देना है, क्लोरोफिल ए को दे देना है, ठीक है। जैसे हमने कोई चीज़ ली और नेक्स्ट किसी और को दे दी, तो ऐसे इनका काम है, इन्होंने लेके दे देना है, ठीक है। तो आपका है क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल एंड अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स अक्कर इन ग्रीन कलर्ड सेल ऑर्गेनेल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। तो जो क्लोरोफिल है वो ग्रीन कलर की, जो मतलब कि क्लोरोफिल पिगमेंट है वो ग्रीन कलर की एक सेल ऑर्गेनेली होती है, क्लोरोप्लास्ट उसमें पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है, तो साइट है फोटोसिंथेसिस के, क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, ये क्लोरोप्लास्ट के बच्चे डायग्राम है। देयर ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर की एक सेल ऑर्गेनेली होती है, विच आर जनरली डिस्क शेप्ड विद सर्कुलर ओवल आउटलाइन। इसकी सर्कुलर भी शेप हो सकती है, ओवल भी हो सकती है, अंडा टाइप। देयर करीन मीजोफिल सेल्स, जो क्लोरोप्लास्ट है बच्चे कहाँ पाया जाता है, मीजोफिल सेल्स में, कॉर्टिकल सेल्स ऑफ यंग स्टेम, जो यंग स्टेम होती है, गार्ड सेल्स स्टोमेटा के, उनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। द सेल्स कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट आर कॉल्ड क्लोरनकाइमा, सॉरी। तो क्या है बच्चे कि जो जिन सेल्स के पास क्लोरोप्लास्ट होता है उनको हम क्लोरनकाइमा बोलते हैं। क्लोरनकाइमा सेल है, ठीक है, उसके पास कितने क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, 20 से 50 तक क्लोरोप्लास्ट होते हैं। मोर क्लोरोप्लास्ट अक्कर इन पैलिसाइड पेरेनकाइमा सेल्स ऑफ मीजोफिल एज कम्पेयर टू स्पॉन्जी पेरेनकाइमा। तो जो बच्चे ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट है वो पैलिसाइड पेरेनकाइमा में होते हैं एज कम्पेयर टू स्पॉन्जी पेरेनकाइमा सेल्स। अ टू मेम्ब्रेन वेल पक्कर ऑल अराउंड द क्लोरोप्लास्ट, द कोर ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रक्चर। तो बच्चे जो डायग्राम है क्लोरोप्लास्ट की, उसमें दो चीज़ें पाई जाती है, एक होता है स्ट्रोमा, एक होता है थाइलाकॉइड्स। डायग्राम, सीधा डायग्राम, ये बच्चे स्ट्रोमा है, जो मैट्रिक्स हैं
मटीरियल है, ठीक है। तो थाइलाकोइड ये चीज़ें, ये थाइलाकोइड्स हैं, ठीक है। अगर ये इकट्ठे हो जाएँ पूरे, एक एक को हम थाइलाकोइड बोलते हैं, ये बंडल हो जाए तो उसको हम ग्रैनम बोलेंगे। तो स्ट्रोमा और मैट्रिक्स इज द कलरलेस कलरलेस ग्राउंड सब्सटेंस होता है, हैविंग सेवरल अदर केमिकल्स, इसमें बहुत सारे केमिकल्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन जो इसमें मिलती है, विच इज़ ऑल्सो द फर्स्ट एंजाइम के तौर पे भी वो यूज़ की जाती है फॉर कार्बन स्टिमुलेशन। कार्बन स्टिमुलेशन का मीनिंग है बच्चे कार्बन फिक्सेशन करना, ठीक है। कार्बन फिक्सेशन क्या होती है कि इसमें जो इनऑर्गेनिक कार्बन है उसको कन्वर्ट किया जाता है ऑर्गेनिक में। इज राइबुलोज बाई फॉस्फेट कार्बोक्सीलेज रुबिस्को जिसको बोलते हैं, ये एक एंजाइम है जो कि कार्बन स्टिमुलेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है थाइलाकोइड्स। थाइलाकोइड्स मैंने आपको दिखा दिए, थाइलाकोइड्स क्या था, थाइलाकोइड्स आर मेम्ब्रेन कवर्ड फ्लैटेंड सैक्स होते हैं विच आर स्टैक्ड एट प्लेसेस टू फॉर्म ग्रैना। तो ये क्या करते हैं कि स्टैक होकर इकट्ठे होकर क्या बना देते हैं, ग्रैना बना देते हैं। ग्रैना में हैव 10 to 100 डिस्क शेप थाइलाकोइड्स, तो एक ग्रैना में 10 से 100 तक डिस्क हो सकती हैं, ठीक है, थाइलाकोइड्स की। तो नेक्स्ट है द डिफरेंट ग्रैना आर इंटरकनेक्टेड। जो ये बच्चे ये देखो, ये एक है, ठीक है, ग्रैनम, ये दूसरा ग्रैनम, ये आपस में इंटरकनेक्ट है ना। तो ये कैसे इंटरकनेक्ट है, उसका नेम क्या है, देखो, द इंटरकनेक्टेड विद वन अनदर इंटरग्रैनल लैमिनले के साथ ये इंटरकनेक्ट होते हैं। द मूवमेंट ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकोइड प्रोसेस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट व्हाइल देयर ल्यूमन कंटेन पाथवे फॉर द मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। थाइलाकोइड्स आर द साइट, बच्चे जो थाइलाकोइड होते हैं वो किसकी साइट है, लाइट रिएक्शन की, ठीक है। और जो स्ट्रोमा है उसमें क्या होता है, डार्क रिएक्शन होती है, ये आपने लर्न करना है। थाइलाकोइड्स में लाइट रिएक्शन होती है, इसके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती हैं फोटोसिंथेसिस की। क्लोरोफिल एंड लाइट है, जो बच्चे लाइट एसेंशियल है फॉर सिंथेसिस एंड मेंटेनेंस ऑफ क्लोरोफिल को बनाने के लिए। हाउएवर बोथ इन द एब्सेंस ऑफ लाइट एज वेल एज वेरी स्ट्रॉन्ग लाइट क्लोरोफिल सफर्स फ्रॉम पार्शियल डिसइंटीग्रेशन। तो क्या लिखा है बच्चे कि एब्सेंस भी नहीं होनी चाहिए लाइट की और बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं होनी चाहिए, इससे क्या होता है कि जो क्लोरोफिल है उसकी डिसइंटीग्रेशन हो सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका एक्सपेरिमेंट है कि क्लोरोफिल इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोफिल है जो वो क्यों नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो ये हम जो टॉपिक है वो टुमारो रीड करेंगे एक्सपेरिमेंट इसका।